Yeah, ma'am, look here, both of you. Yeah, all of you, look here. Yeah, look here. No mercy, only mirchi. Only mirchi. हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये रियल रियल जो घटनाएं घटी हैं उस पर है ये फिल्म, तो जो रियल में होती है वो देखने में बड़ा मज़ा भी आता है। आई बिलीव बहुत अच्छा बनाया है। कल थोड़ा सा ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे बाप बेटे मिलकर रॉबरी करते हैं। दैट्स नाइस। एंड MS फिल्म्स के बैनर के अंडर में ये फिल्म बन रही है। मीना सेठी जी इसकी प्रोड्यूसर हैं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इनकी फिल्म बहुत पसंद आए लोगों को और बहुत चले। आई विश देम ऑल द बेस्ट। चेज, ये जो नो मर्सी टू क्राइम, इसका नाम चेज है इस फिल्म का, और आई विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ, नहीं नहीं अच्छा लगा जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम चेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस। नहीं, मैंने सुना है कि कुमार सानू जी का गाना बहुत अच्छा है, तो कुमार सानू जी की तो मैं वैसे भी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। और दे आज पूरा ट्रेलर, कल तो मैंने थोड़ा सा देखा था लेकिन आज मैं पूरा देखूँगी। हाँ, क्योंकि है इसमें सब बंगाल से भी है और यहाँ से भी है आर्टिस्ट, और आई एम श्योर सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा और देखेंगे सब। इसमें न्यू कमर्स ज़्यादा है। साथ ही साथ इंडिया पे IPL का क्रेज चल रहा था, क्या IPL देखती है? मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे घर में चलता रहता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो तो देखते रहते हैं। मैं कभी कभी देखती हूँ। आई एम नॉट टू मच इनटू क्रिकेट। जैसे कि आपने कहा कि आपके घर पे IPL देखते हैं, तो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं क्योंकि आई एम नॉट टू मच इनटू क्रिकेट, मैं देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए फिर बस। हाँ, बहुत देखते हैं। मैंने पूछा नहीं कभी। इलेक्शन का टाइम है अभी, बस सब अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बस इतना ही करते हैं। या नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है और एक वोट का भी बहुत कीमत होता है, कीमती होता है, तो देना बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी घर में नहीं बैठना चाहिए, प्लीज़ वोट, ये हमारा हक है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, सस्पेंस है क्योंकि ये जो जो बाप बेटे जो मिलके करते हैं, कितना पैसा लूटा है, ये जो सच्ची में गुजरी हुई कहानी है, तो जो रियलिटी है वो देखने में ज़्यादा मज़ा भी आता है। आई होप, और बंगाल के डायरेक्टर्स तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। मैम, और एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो मूवी हाल ही में निकलने वाली थी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो कि अभी बीच में कुछ दिक्कत हुई थी, स्टॉप हो गए, तो इस माहौल को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से रिलीज़ इसलिए भी हो नहीं हो पाई शायद, आई डोंट नो, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन की बात करेंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत काम करते हुए बहुत मज़ा आया और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। आई होप लोगों को अच्छी लगे और आई एम श्योर अच्छी लगेगी। यू आर वेलकम। To light the lamp, the ceremonial lamp. Here's to new beginnings. Ladies and gentlemen, this evening is about
a very special new beginning for your film Chase No Mercy to Crime. Today we are going to be launching the poster, the music and the trailer. It is indeed a very special evening. And what पड़ेगा इसको, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा और ढीला करना पड़ेगा। हाँ, एक बार लग गया तो फिर आ गया। Ladies and gentlemen, while the lamp is being lit, this is a good time perhaps to acknowledge and thank our partners, music partner Zee Music, print media partner Midday and Dainik Jagran, outdoor partner Bright Outdoor. Digital partner Starbuzz Studios, DIY and VFX by Pixel Digital Studios and Associate VFX by FXI Films, Sound Studio Afterplay, Media Relations by Alter Media, Online Media Partner Bollywood Town and Creative Partner Milind Matkar. Now for fighting the seat you came through. What a beautiful start, ladies and gentlemen. What an auspicious beginning to a very, very special evening for Chase No Mercy to Crime. Requesting our lovely producer to step forward as well. Ms. Meena Sethi Mandal. Alright, that makes for a beautiful photograph. Not too close to the lamp, please. Ladies, both your saris are very beautiful and very precious. Thank you. What a lovely start you present. This beautiful, exciting film, Chase No Mercy to Crime. Inviting on stage Mr. Rajesh Sharma. It's an absolute honor to invite on stage Mr. Gulshan Pandey, Gargi Patel and Samiksha Gaur. Can we have you join us on stage, please? Is Gargi Patel here? Okay, there is some serious traffic. They'll be making their way here. And is Samiksha here? She's also going to be joining us in a little bit. Before we have you actually unveil the posters, I would like to ask Mr. Pandey here just a few words on the experience of shooting the film. Maza aaya, kaisa laga, aap kya share karna chahenge hamare saath isse pehle ki hum poster ko launch kare. Yahan pe upasthit sabhi mehmanon ko main pyar bhara namaskar kehta hu aur main dhanyawad deta hu Raj sir ko jinne is film ke liye mujhe choose kiya. Ek bada hi khoobsurat chhota sa hi role hai aur of course ma'am Meena Mandal ma'am, dhanyawad. इस पिक्चर से बहुत खूबसूरत एक और याद जुड़ी है कि मैं पहली बार विदेश गया इस फिल्म के लिए और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको. बहुत अच्छे एक पूरी टीम से मिला जो एक पूरी फैमिली की तरह हम लोगों ने काम किया था. और राज सर, गॉड ब्लेस सर, चकते बड्डे तू दी बस मैम इससे ज़्यादा. थैंक यू वेरी मच. तो इससे पहले कि आपके एक्सपीरियंसेस हम आपसे जाने, हम चाहते हैं कि आप पोस्टर को रिवील करें, अनवेल करें. तो आप इधर आ जाएं और आप उधर चले जाएं. एंड मे बी ऑन द काउंट ऑफ थ्री यू कैन अनवेल इट बाय जस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द फर्स्ट लुक, द फर्स्ट ग्लिम्स, द पोस्टर ऑफ चेस नो मर्सी टू क्राइम. अब आपकी बारी सर, कर लें. A little bit of help. Fantastic, beautiful, beautiful looking posters. Very exciting. इन पोस्टर से ही पता चल जाता है what kind of film this is going to be. Just before we let you leave the stage, your thoughts on this first glimpse of the poster?
It's really very nice. अब मैं वेट कर रही हूँ कब बिल्स होगी एंड विश देम ऑल द बेस्ट. मीना जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको. पोस्टर्स बहुत अच्छे हैं और मैं ज़रूर देखूँगी. या ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वाकई में पोस्टर बहुत अच्छे हैं और मतलब मैं तो इमोशनली जुड़ा हूँ उस फिल्म से. अब पोस्टर से भी जुड़ गया हूँ क्योंकि मैं कलकत्ता शहर में रहता हूँ तो और ये फिल्म जो है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कलकत्ता के शामिल हैं. हीरो भी कलकत्ता का ही है, हीरोइन भी कलकत्ते की है, हीरो भी कलकत्ते का है, विलन भी है, तो डायरेक्टर भी है, DOP भी है, सारे लोग हैं. एनीवे और इंशाल्लाह लोग पोस्टर देखकर आपकी फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे. 100%. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. आपसे हम दोबारा बात करने नीचे भी आएंगे. थैंक यू वेरी मच. प्लीज टेक योर सीट्स. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. The beautiful people on stage. Ladies and gentlemen, it's very important to appreciate the hard work, the dedication, the commitment that an entire team puts into making a film happen. So how about we have a big round of applause for MS Productions. Lots of time, energy, love has gone into the making of this beautiful film, Chase, No Mercy to Crime, and what a wonderful name it is too. So big round of applause. Can we have a big round of applause for MS Films Productions? Now, I'm sure all of you believe what I believe, that the music of a film is the heart and soul of the film. So now that we've launched this very fantastic looking poster, it's time now to launch the music of the film. So we'd like to invite on stage some very, very special people who are involved with the music. Let's invite on stage Bob SN and Rohan D. Pathak, the music directors of the film. Hi there. Mr. Sidhu, can we have you on stage, please? And we would like to have the box, which we'd like to unveil at the moment. Do we have that? Can we have the unboxing? We need the box. Is Mehak going to hand over the box to us? It's coming to us from here. Okay. So requesting the both of you. Inviting the entire cast. Alright, can we have the entire cast on stage, please, for the unboxing, for the music launch? Can we have the entire cast up on stage, please? We're going to be having them up at different times as well, but this would make for a very special photograph. The cast, our lovely producer. And can we have some music while the unboxing happens? लाइट जला लो सर. सर आप इस तरफ आ जाएं. फोन में बैटरी दो. बैटरी एक ही है. बीच में आइए आप. बीच में फोटो फोटो बनेगा. जब ये आप खोलेंगे तो खोलिए तो सही. फ्रेम में पूरा वाइट कर सकते. इसको पकड़ के पकड़ के रखिए. ये हुई ना बात. दिस इज हाउ यू लॉन्च द म्यूजिक ऑफ अ फिल्म. दैट्स राइट. दिस इज व्हाट मेक्स फॉर द फोटोग्राफ. थैंक यू एवरीवन. चलो भैया थैंक यू. Big thank you to the cast. Okay.
और बहुत सारी जगहों पे। तो सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग एक टीम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो काफ़ी वक्त हम लोग बिताते थे गाड़ियों में। तो हमारा मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था वो साथ में वो वक्त बिताना, जैसे सब ने कहा है फैमिली बन गई थी। सो साथ में खाना, साथ में उठना बैठना। और सो इस बीच एक फ़नी बात हुई, देयर वाज वन फाइट, यू नो, कि लोग कहते हैं कि ये मैं पुलिस हूँ और ये क्रिमिनल है। तो हम लोगों ने, आई डोंट नो, वी आई फाउंड अ ग्रेट फ्रेंड इन हिम इस पूरी जर्नी में, एंड वी ऑलवेज वेयर टुगेदर, एंड पीपल एक्चुअली गॉट जेलस ऑफ अस दैट हाउ दिस टू गाइज आर बॉन्डिंग ओवर सो वेल। तो लोग अलग, मतलब यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, बट या दैट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपका सबसे मेमोरेबल, सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस कौन सा था? ये मत बोलो कि हम दोनों भाई भाई थे। नो, भाई भाई सबसे मेमोरेबल था, सबसे क्रेजी था। आई टेल यू वन थिंग, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूसिंग टू द सेट, तो लाइक मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, तो ये अपने आप में मेरा क्रिमिनल का रोल है, इसका कॉप का रोल है। तो ये अपना लूप बैठा हुआ है, अपना अलग बैठा हुआ, ठीक है। इतना बंदे में तो एटीट्यूड कहां से यार, कॉप है ना, तो अपने घर में होगा तो कॉप का, यहां पे हमें क्या एटीट्यूड दिखा रहा है यहां पे। चलो जो भी है, बॉन्डिंग वेंट ऑन। बट मेरा सबसे ऑन सेट इन शूटिंग, मेरा सबसे जो एडवेंचरस क्रेजी जो हुआ है मेरे से, यहाँ पे आपने जो देखा था, व्हेन आई वाज कमिंग इन, व्हेन आई वाज एंटरिंग इन पटाया बोट पे, जो मैं आ रहा था, आई केप्ट ऑन फॉलिंग। वहाँ पे मैं अपना बैलेंस लग नहीं पा रहा था, केप्ट ऑन फॉलिंग 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 ऑफ द बोट। यस, नो, ऑफ द बोट, इनसाइड द बोट, इन द बोट। लेकिन वहाँ पे इतना वेव्स थे, वहाँ पे इन द वेव्स, एंड वहाँ पे डायरेक्टर वाला कट, फिर अगेन अगेन एक्शन, फिर वहाँ पे फिर कट, कम से 15-20 बार मेरे को क्या बात है। सी, नोबडी नोज द बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या जाता है फिल्म बनाने में। मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में विलन कौन है? इन अ सेंस रियल लाइफ में विलन कौन है? ये है विलन के ये है विलन? एक्चुअली अगर इस टीम की बात करेंगे तो इस टीम में 3 विलन एक्चुअली। अच्छा, ऐसे मतलब सारे पोल यहाँ पे खुल रहे हैं। सबसे बड़ा विलन हम जानते हैं, नंबर 1 रेटिंग की स्कूल, मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 विलन जो हम लोग इस यूनिट का है वो है हम लोग का डायरेक्टर। ही नेवर यूज्ड टू स्पेयर अस, भली रात के 12 बज जाए, जब तक शॉट उनको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ही वॉज द फर्स्ट विलन ऑफ अर सेट यहाँ पे टीम के। सेकेंड विलन, सेकेंड और थर्ड विलन जो है वो हम दोनों हैं। करेक्ट, ऐसा भी हुआ है मुझे, सुबह 9 बजे का कॉल टाइम देकर रात को 11 बजे शूट किया, शॉट लिया है मेरे से, और मुझे कहीं जाने नहीं दिया। मैंने कहा, मैं आसपास, मेरा घर बहुत पास में था, मैंने कहा सर मैं थोड़ा घर से मिल के आ जाऊँ। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे 14 घंटे बिठाने के बाद मुझे 9 बजे 11 बजे रात के मेरा शॉट लिया। मैं काफ़ी खफा हो गया था, बट इतने पोल भी नहीं खोलने यहाँ पे, क्या बोल रहे हो? अगेन ये था ऑन शॉट, मींस ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा एज द वाज द विलन एज अ डायरेक्टर, यू नॉट नेवर टू स्पेयर अस। बैकअप के बाद हम दोनों विलन थे, हम उनको फिर लाइक कूल करते थे वहाँ पे, उस टाइम हम उनके लिए विलन, वो अलग स्टोरी। अच्छा, इस फिल्म के शूट के लिए बहुत अलग अलग जगहों पे आपको जाना पड़ा, देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस। हम जानते हैं रमेश जी का फेवरेट लोकेशन कौन सा था, वो तो हमने सुन लिया काफी बहुत डिटेल में। आई बीन वेरी लकी, मुझे बहुत मुझे ये मौका मिला रमेश जी के साथ वॉकिंग स्ट्रीट जाने का। यहाँ पे गुलशन जी हैज बीन अमेजिंग, मैं गुलशन जी, हमारे सुदीप जी और हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट घूमने गए थे, काफी वॉकिंग की हमने वहाँ पे, तो काफी मनोरंजन। पैसे बिल्कुल खर्च नहीं हुए, ये भी सुना। और उनके पैसे नहीं खर्च हुए, उनकी मनी कन्वर्जन शायद उन्होंने नहीं करवाया था वहां पे। बट कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी, व्हिच वाज द मोस्ट? यस, वन सेंटीमेंटल सीन इज देयर विद मी एंड माय चाचा जी मिस्टर गोयल। तो इसमें पूरे मूवी मुझे बहुत रफ दिखाया गया है, एक सेंटीमेंटल सीन जहां पर मैं अपने फादर की फील करता हूं, तो वो सीन आई थिंक मेरे लिए सबसे फेवरेट सीन वही रहा है इस मूवी के लिए। होटल था, काफी अच्छा लोकेशन था, और एक काफी इम्पोर्टेंट सीन था जो आपने देखा ट्रेलर में, कि मैं कह रहा हूँ कि इन जैसे मुसलमानों के लिए पूरी कौम बदनाम है हमारी, तो उसमें काफी गुस्सा दिखाना था मुझे। और उससे पहले माई गर्लफ्रेंड वॉज गिविंग मी अ वेरी हार्ड टाइम द एंटायर मॉर्निंग, तो वो काफी नेचुरल गया वो शॉट, काफी जितनी मेरी भड़ास थी मैंने उस बंदे पे निकाल दिया, और वो शॉट मुझे लगता है कि उससे अच्छा शॉट मैंने पूरी मूवी में नहीं दी। तो मतलब आप जब ये फिल्म अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे तो जरूर बोलेंगे ये सीन जो है इज डेडिकेटेड टू यू? ओह यस, आई वुड डेफिनेटली डेडिकेटेड टू हर। या अच्छा, ये दोनों सीन आपके फेवरेट सीन्स थे, पर आपके लिए सबसे आपकी तो कहानी हमने सुन ली, बोट पे आप ऐसे गिर रहे थे, तो सबसे चैलेंजिंग सीन वो आपका था, आपका सबसे, व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग सीन इन द फिल्म? एक को एक्टर है यहाँ पे सोहम, who is not here with us today,
सो एक डायलॉग था जहाँ पे बाज और चिड़िया के बीच में कंपैरिजन था, काफी फनी इंसिडेंट है। तो कभी कभी होता है कि कोई एक्टर काफी अच्छा एक्टर होते हुए भी दो तीन लाइनों में अटक जाता है, ऐसा अभी इट ऑल हैपेंस टू अस आई एम श्योर। या सो वो अटक जा रहा था बाज और चिड़िया ये में, तो काफी लंबा चला गया दिन, फिर डायरेक्टर साहब ने मुझे दे दिया वो। तो दैट डे आई गेस यू नो इट वाज अ लिटिल एग्जॉस्टिंग बट ही डिड अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म। एंड एनी अदर इंसिडेंट और मोमेंट दैट यू'ड लाइक टू शेयर विद द लवली ऑडियंस सिटिंग ओवर हियर, क्योंकि बहुत बहुत कुछ जाता है फिल्म बनाने में, बहुत सारी अनकही बातें होती हैं, कहानियां होती हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेलर था, जैसा कि आपने सामने देखा, बहुत खूबसूरत फिल्म, इससे भी अच्छी है, बहुत पेसी है। और मैंने पॉलिटिशियन का रोल इसमें किया हुआ है, कलकत्ता में शूट किया है, एंड आई एंजॉयड माय रोल। और स्पेशली जो पूरी टीम बहुत अच्छी थी, खासकर डायरेक्टर इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड मीना शेट्टी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, वेरी हम्बल, वेरी नाइस लेडी शी इज़, जिन्होंने बहुत अच्छा केयर किया और मज़ा आया काम करने का। बस यही कह सकता हूँ कि बस फिल्म अच्छी चले, खूब चले, लोग इसको पसंद करें। मैं अभी क्या बताऊँ, मैं क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए था वहाँ, तो मेरे को ऐसा ज़्यादा चांस नहीं मिला, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया काम करने का। और एक क्वेश्चन कि जैसे कि इंडिया पे आईपीएल का बुखार चल रहा था, आईपीएल देखते हैं क्या? नहीं, आईपीएल तो खैर मुझे लगता है मैं देखता हूँ, मैं अभी यहाँ पे उसमें देखते रहता हूँ आजकल, मतलब थोड़ा सा स्कोर देख लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस स्पेस थोड़ा सा। मेरी टीम हैदराबाद। कौन सा क्रिकेटर आपको फेवरेट है? मेरा क्रिकेटर विराट कोहली। जी सभी बारात, इसलिए मैं जा रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसलिए मैंने शुभेंदु को बोला था डायरेक्टर को कि भैया मैं आऊँगा और 10 मिनट में निकल जाऊँगा, कि अभी मैं मुझे घर जाना है, नमाज पढ़नी है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारे पूरे टाइम पे, हम लोगों ने 4 मंथ्स तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, यहाँ पे काफ़ी लोकेशंस पे हम लोगों ने काम किया है, बहुत गर्मियों में, सर्दियों में, धूल मिट्टी, बहुत हम लोगों ने मेहनत की इस मूवी के लिए। और इस ट्रेलर को जैसे आप देख ही रहे, यहाँ पे ट्रेलर बहुत धमाकेदार ट्रेलर बना, हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिटर ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर में। एक्टर्स तो हम तो एक्टिंग करके डबिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के जो प्रेजेंटेबल जो पब्लिक के सामने होने चाहिए, उसके लिए हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर एंड माय एडिटर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इसके लिए। एग्जैक्टली वो भोजपुरी नहीं है, टच ऑफ भोजपुरी है उसमें, एक्जैक्टली हिंदी के ऊपर भोजपुरी टच मारा है, एक वहाँ पे बंगाली है क्योंकि बंगाल बेस्ड मूवी है। इट्स अ ट्रू इवेंट ऑन बंगाल पुलिस, जो सक्सेस किए थे क्राइम को वहाँ पे, सक्सेसली वहाँ पे चेज किया था और उस क्रिमिनल्स को पकड़ा था जो रॉबरी के पीछे थे, तो इसलिए बंगाली और इंग्लिश और हिंदी, ये मतलब बिलिंगुअल लैंग्वेज मिक्स करके इस मूवी को बनाया गया है यहाँ पे। हमने बार बार ऐसे, हम ऑन स्टेज में अंदिरा जी को बताया, सबको बताया, हम लोग अब पूरी एक फैमिली जैसे बन चुके हैं, इट्स नॉट अ टीम एनीमोर, इट्स अ फैमिली नाउ। सर मैं आईपीएल पर इतने बोलूंगा, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, धोनी जिस टीम में जाता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, माय फेवरेट टीम इज सीएसके, आई होप सीएसके विंस दिस टाइम आल्सो लाइक लास्ट ईयर। पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जीते उनकी मर्जी, बाकी हमको अपना काम करना है। हाँ जी, वोट किसको देना वो हम पब्लिक के लिए कैसे आपको पता है किसको देना, लेकिन बस जो भी है जो आए अच्छा काम करें, बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, और मैं कुछ करता भी नहीं उसमें, फॉलो भी नहीं करता पॉलिटिक्स में यहाँ पे। बाकी सी एस को बस इतना बोलूँगा, धोनी जी को फॉलो करता, सी एस के जीते बस उतना ही वही है। सर दिस आंसर ओनली द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कैन गिव यू, नॉट एन एक्टर। इट्स अ नॉन फिक्शन मूवी बेस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ बंगाल पुलिस,
ऐसी मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि पुलिस को एक्चुअली पब्लिक जो बहुत फेयर करती है, पुलिस मतलब उनके लिए हवा बन जाता है, पुलिस मतलब ये है वो है जो भी है। इसके माध्यम से पुलिस को हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया है, जनता को हम लोग ये प्रेजेंट किया कि पुलिस जो है सिर्फ वहाँ पे होते हैं कुछ जो भी है, लेकिन अच्छे पुलिस भी है जो काम करते हैं इस लाइन में, पुलिस इंडस्ट्री में। यहाँ पे हाँ, देर आर सम फेमस कॉप्स फ्रॉम द सिटी, बट आई कैन नॉट नेम इट इन पब्लिक। यहाँ पे वो आपको जो भी बात करना है डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। अभी मैं इतना रिवील नहीं कर सकता इस मूवी का, जो ट्रेलर आपने देखा है उसको बस यहीं तक रखिए, बाकी जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात कीजिए, आंसर आपको वही दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ट्रेलर मुझे मैंने इससे पहले देखा नहीं था ट्रेलर, बिकॉज मुझसे ट्रेलर दूर रखा गया हमारे दोनों से, तो पर हमें कहा गया था कि ट्रेलर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, और एग्जैक्टली वो अपने बात पे खड़े उतरे। जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड था, आपने देखा होगा ऑडियंस में सबसे ज़्यादा मैं ही चिल्ला रहा था, तो ट्रेलर देख के मेरी उम्मीदें और बढ़ गई है फिल्म से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज हमने काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी सारे जो मुझे ट्रैवल करना पर्सनली बहुत पसंद है, हमने काफ़ी लोकेशंस एक्सप्लोर की। इसके अलावा जो पूरी टीम थी हमारी, आपने सुना है फैमिली वाली जो बॉन्डिंग थी, ऑफकोर्स मैंने काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त बनाए। और इसके अलावा भी और एक अच्छी बात थी कि इसमें जो दूसरे एक्टर्स जैसे मुश्ताक जी, गुलशन पांडे जी और गोयल जी, ऐसे स्टॉलवर्ट्स, ऐसे एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनके साथ। और उनसे सीखने को अलावा भी मैंने देखा कितने डाउन टू अर्थ और कितने ग्राउंडेड है, कितने ईजी टू गेट टू, कितने अच्छे को एक्टर्स मिले थे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग आई कुड से। एग्जैक्टली, अनसंग हीरोज, दैट्स द वर्ड, अनसंग हीरोज। जो इन हीरोज ने इतना अच्छा एक ऑपरेशन कैरी आउट किया था कैलकटा पुलिस ने, लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो ये स्टोरी सत्य घटनाओं पर आधारित है, इंस्पायर्ड बाई ट्रू स्टोरी दैट दिस ऑपरेशन एक्चुअली हैपेंड। थोड़े लोकेशंस हमने थोड़े इधर से उधर बदले होंगे, थोड़ी सी स्टोरी को ऑब्वियसली फिल्म के तहत थोड़ा हमें ड्रामेटाइज थोड़ा सा किया है, पर इसके अलावा दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, और मैं चाहता हूँ ऐसी स्टोरी बननी चाहिए, ताकि इन जैसे मतलब कैलकटा पुलिस इतने अच्छा ऑपरेशन कैरी आउट किया था, ये इस केस को क्रैक किया था, इन्हें लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है, तो मालूम चलना चाहिए अबाउट दिस अनसंग हीरोज। सो आई एम रियली हैप्पी टू प्ले वन ऑफ देम। नो, इट्स नॉट एक्चुअली अ बायोपिक। एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज हमने कैलकटा पुलिस के कोऑपरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट किया है, ये उन्होंने डिटेल, ये इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की थी और बताया था एग्जैक्टली क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने ऑपरेशंस को किन किन जगहों पे किया था, पूरा पूरा मोडस ऑपरेंडी उन्होंने एग्जैक्टली एक कुछ हद तक हमसे शेयर किया था, जिससे हमने बाकी अपने तरीके से कोऑपरेट मतलब ये एग्जीक्यूट किया। और ये एग्जैक्टली एक सही मतलब असली ओरिजिनल कहानी है जो चाहते थे मेरे डायरेक्टर के सामने आए, उन हीरोज़ के बारे में जिन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन कैरी आउट किया, पर कुछ किसी को पता नहीं है इसके बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि सब्सिडी मिलना चाहिए फिल्म को, रिप्रेजेंट कलकत्ता एंड कलकत्ता पुलिस इन अ वेरी पॉजिटिव वे? आपने ये काफ़ी अच्छा सवाल उठाया, ये सब्सिडी का इशू। एक्चुअली मैं प्रोडक्शन पार्ट में नहीं हूँ, तो मुझे इस बारे में पता नहीं, पर सब्सिडी ज़रूर मिलनी चाहिए। आई रियली थिंक कि कैलकटा पुलिस को हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं सही वजहों से, वो डिज़र्व करते हैं, तो डेफिनेटली हमें मिलनी चाहिए, वी डिजर्व दिस आई थिंक। सर, जैसा कि ट्रेलर में आपकी एक डायलॉग है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है सिर्फ एक इंसान की वजह से, तो आपका फेवरेट डायलॉग भी है, तो अभी देश में जैसा माहौल चल रहा है और इलेक्शन का टाइम भी है, बहुत ख़राब माहौल है, तो उसको आप किस तरह लेते हैं कि लाइक वो जो आपका लाइन्स था? वेल, मैंने तो काफ़ी वो सीन मेरे दिल के काफ़ी करीब था, क्योंकि फिल्म में जो मैं किरदार निभा रहा हूँ एक मुस्लिम कॉप, एक वो मुसलमान है, पर वो काफ़ी एक ईमानदार पुलिस है, पर उस पर सवाल उठ रहे हैं कि जैसा हमारा जैसा चलता है कि एक कौम को उसकी पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर हमारे कौम की वजह से अगर आप किसी को उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके टैलेंट को अगर क्वेश्चन करते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मैंने देखा उन्होंने अपने लाइफ में फ़ेस किया है, तो ये इमोशन मैं कैरी आउट कर रहा था। मैंने उनसे पहले डिस्कस भी किया था मेरे दोस्तों के साथ कि मैं ऐसा एक किरदार निभाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं मतलब ये एग्जैक्टली जो इशू है ये कॉम रिलेटेड ये वाला मैंने ये गलत साबित करना है। आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज दैट यू नो मुझसे कोई अगर सवाल पूछता है, मतलब इस फिल्म में पूछा गया कि आप और हम सेम बिरादरी के, अगर कोई क्रिमिनल कहता है कि उसे मैं
उस पर मैं सॉफ्ट हो जाऊँगा बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, दैट एक्चुअली डज नॉट हैपन. आई थिंक एवरीबडी इज़ अमेजिंग, एवरीबडी डज देयर जॉब. कैलकटा पुलिस इज़ अमेजिंग. यू कैन नॉट लेबल देम बेस्ड ऑन देयर कम्युनिटी और देयर कास्ट और रिलीजन. थैंक यू.